आज हम लोग प्लेक्ट करने जा रहे लैब किसका फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल का और फ्री रेडिकल कितने टाइप्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं कितने टाइप्स होते हैं एक एसिड होता है एक एसिडिक रेडिकल होता है बेसिक रेडिकल होता है ठीक है तो एसिडिक रेडिकल का आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एथनोइक एसिड किसका एथनोइक एसिड का कंफर्मेशन वाला ठीक है तो उसका एथनोइक एसिड का फॉर्मूला कहता है CH3COOH तो वहां से एच अगर रिमूव हो जाता है तो वह किसमें चेंज होता है फ्री रेडिकल में इसमें फ्री रेडिकल में ठीक है टॉपिक का नाम क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल ठीक है इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले कंफर्मेशन ऑफ एसिटेट कंफर्मेशन ऑफ एसिटेट क्योंकि एथेनोइक एसिड का जो सिंपल नेम होता है वो होता है एसिटेट तो एसिटेट का कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग दो एक्सपेरिमेंट करेंगे कितने एक्सपेरिमेंट दो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लेंगे हम लोग जैसे ऑक्सैलिक एसिड लेंगे हम लोग क्या लेंगे ऑक्सैलिक एसिड लेंगे हम लोग ठीक है तो ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग किसी भी सॉल्ट के किसी भी सोडियम के किसी भी सॉल्ट के साथ अगर रब करेंगे हैंड पे क्या करेंगे रब करेंगे तो उसका स्मेल आएगा कैसे स्मेल आएगा विनेगर टाइप का किस टाइप का विनेगर टाइप का तो जब उसमें से विनेगर टाइप का स्मेल आने लगेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा एसिड है एथेनोइक एसिड क्या कौन सा एसिड है एथेनोइक एसिड मतलब उसमें एसिड का रेडिकल प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एसिटेट क्या बोलेंगे एसिटेट एसिटेट का अनदर नाम क्या होता है एथेनोइक एसिड तो ये ऑक्सैलिक ले लीजिए आप लोग हल्का हल्का क्योंकि आप लोग का हाथ स्मेल करेगा तो कोई बात नहीं हाथ स्मेल नहीं करना चाहिए बस है ना ये क्रिस्टल के फॉर्म में है और क्रिस्टल का जो टॉपिक आएगा सबसे लास्ट टॉपिक आएगा कि चैप्टर क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर अरे तो कम बेसिस से क्या मतलब है उसमें खाना ना तो ये नहीं है ठीक है ये क्या है वो हो जाएगा जरा इसमें करने की बात है ना बस वो ठीक है चलें तो क्या है ये ऑक्सैलिक एसिड है अभी इसका स्मेल कैसा नहीं होगा ठीक है ये ऑक्सैलिक है इसमें सोडियम का कोई भी अगर हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं हम लोग मिक्स कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लोग लेते हैं आप लोग इसका सकते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट क्या ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट लीजिए उसको रब करने के बाद उसका स्मेल करेंगे नीचे गिर रहा है उसको रब करने के बाद क्या करेंगे स्मेल करेंगे स्मेल करेंगे ठीक है जब स्मेल करेंगे तो उसका स्मेल कैसा है विनेगर टाइप का तो जब विनेगर टाइप का स्मेल होगा तो ये कंफर्म हो जाएगा आ रहा है सबका स्मेल किस टाइप का है विनेगर टाइप का तो विनेगर टाइप का जब इसमें स्मेल आने लगेगा तो कंफर्म हो जाएगा वो कौन सा एसिड है एसिटेट है क्या है एसिटेट एसिड मतलब एसिटेट कंफर्म है एथेनोइक एसिड उसमें है एथेनोइक एसिड का मतलब उसमें फ्री रेडिकल प्रेजेंट है अब इसको रख दीजिए उसको वॉश मत करिएगा अब तो ये पहला तो हो गया आइए यहाँ पे जल्दी तो फर्स्ट कंफर्म तो हो गया कि जो फर्स्ट
का प्रॉब्लम की है, इसमें एसिड है, एसिड एक एसिड रेडिकल प्रेजेंट है, उस एसिड रेडिकल का नेम क्या है, एथेनोइक एसिड है, ठीक है, एथेनोइक एसिड है। अब हम लोग सेकंड करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड करेंगे, एक लेंगे हम लोग टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड दिखाई दे रहा है, इसमें से लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, क्या लेंगे इसको, टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसको बहुत लूजली क्या कहते हैं, पकड़ लेता नहीं तो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, ये तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग लेंगे वाटर, कुछ ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा ही हो गया तो कुछ कोई बात नहीं। अब इसके बाद वाटर ले लिए, इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट मिक्स करेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिक्स करेंगे, याद है ना, सोडियम कार्बोनेट मिक्स किया था ना, पिंक कलर का था, तो सोडियम कार्बोनेट मिक्स करने के बाद ये किस कलर का हो जाएगा, कोई बात नहीं, कलरलेस भी ये हो सकता है, लेकिन अब कंफर्म कब होगा, कंफर्म कब होगा, सोडियम के साल्ट को इसमें मिक्स करने के बाद या तो पिंक कलर का बनेगा या तो कलरलेस बनेगा, और उस सॉल्यूशन में जब हम लोग फेरिक क्लोराइड मिक्स करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का बन जाएगा, और रेडिश ब्राउन कलर का जब हो जाएगा, किस कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, एथेनोइक एसिड, क्या प्रेजेंट है उसमें, एथेनोइक एसिड। तो इसमें से कुछ क्रिस्टल हम लोग इसमें मिक्स करेंगे, किसका, फेरिक क्लोराइड, ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो ये किस कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन कलर, तो रेडिश ब्राउन कलर हो गया है, तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एथेनोइक एसिड या एसीटेट, और इसमें एसिड रेडिकल प्रेजेंट है, और उस एसिड के रेडिकल का नेम है एथेनोइक एसिड, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, अब करते हैं।